नमस्कार, मैं सौरभ कुमार। स्वागत है आपका हमारे इस खास एपिसोड में, जिसमें हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी खबरें जो आपके मुस्कुराने की वजह बने, जिन्हें पॉजिटिव न्यूज़ भी कहते हैं। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, खूब सारे मजे कर रहे होंगे। हमारे आज के इस एपिसोड में हम आप 3 खबरों के ऊपर बात करेंगे। एक खबर है ग्वालियर से, जहां पर ग्वालियर नगर निगम ने कुछ ऐसा फैसला लिया है, जिस फैसले के बाद शहर की स्वच्छता रैंकिंग सुधारने में तो सफलता मिलेगी, साथ ही इस फैसले से समाज के एक तबके को भी मजबूती मिलेगी। उसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार के उस फैसले की, जो करने के बारे में अमेरिका और इंग्लैंड भी अभी सोच रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। और अगर मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कर लिया तो ऐसा करने वाला वो देश का पहला राज्य बन जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको दमोह लेके चलते हैं। दमोह से एक बड़ी ही प्यारी वीडियो सामने आई है। वीडियो में एक गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी के पीछे पीछे ग्रामीण जा रहे हैं। ग्रामीणों के चेहरे पर गम है, कुछ जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, राम नाम सत्य के नारे लगा रहे हैं और साथ ही नारे लग रहे हैं गौ माता की जय के। अब आप कहेंगे कि ग्रामीण उदास हैं तो इसमें खुश होने की क्या बात है। दरअसल ये वीडियो दमोह के हटा का है, जहां पर ग्रामीण एक गाय की मृत्यु का शोक मना रहे हैं। हटा के भूतेश्वर महादेव मंदिर में एक गौशाला चलती है। गौशाला का नाम है सूरभि गौशाला। इस गौशाला में आज से 1.5 साल पहले एक गाय आई थी। जब ये गाय आई थी तो बीमार थी, कमजोर थी, लेकिन गौशाला की देखरेख में जल्दी ही हट्टी कट्टी हो गई। जब गाय हट्टी कट्टी हो गई तो ग्रामीण उसे हाथी गाय बोलकर बुलाने लगे। ये हाथी गाय ग्रामीणों में अपने नरम स्वभाव के कारण जानी जाती थी। ये गाय इसलिए जानी जाती थी क्योंकि ये गाय उन बछड़ों को दूध पिलाती थी जिनकी माँ मर गई थी। गौशाला की न जाने कितने ही बछड़े इसी गाय का दूध पी पी कर बड़े हुए। बछड़ों को तो छोड़िए, गाय इतनी सरल स्वभाव की थी कि जब ग्रामीण भी पहुंचते, बच्चे भी पहुंचते, तो बच्चे उस गाय के थन से सीधा मुंह लगाकर दूध पी लेते थे और गाय कुछ भी नहीं कहती, गाय उन्हें परेशान भी नहीं करती। गाय के शायद इसी स्वभाव के कारण ग्रामीणों का उससे जुड़ाव हो गया। जब गाय के मृत्यु की खबर आई तो पूरे के पूरे गाँव में शोक की लहर डूब गई। ग्रामीण जमा हुए, उन्होंने भूतेश्वर महादेव मंदिर के पास नगरपालिका की गाड़ी लगाई, गाय का श्रृंगार किया, उसे गाड़ी में रखा और गाय की शव यात्रा जब वहां से मुक्तिधाम के लिए निकली तो उसके पीछे पीछे रोते हुए ग्रामीणों का जत्था था। ग्रामीण राम नाम सत्य के नारे लगा रहे थे, साथ ही गौ माता जय के भी नारे लगा रहे थे। शायद यही स्वभाव है जिसके कारण हम गाय को माता कहते हैं। शायद इसी स्वभाव के कारण भारतीय संस्कृति में गाय को इतना महत्व दिया जाता है। आइए अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर ग्वालियर से आई है। ग्वालियर में लगातार प्रयास चल रहे हैं कि कैसे शहर की स्वच्छता रैंकिंग को बेहतर बनाया जाए। इसी दिशा में एक कदम उठाया गया है। कदम यह है कि किन्नर बॉबी नायक को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। यहाँ तैयारी सिर्फ शहर के स्वच्छता रैंकिंग को सुधारने की नहीं है, तैयारी इस बात की भी है कि कैसे किन्नर समाज को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। तैयारी इस बात की है कि कैसे इनके संपर्कों का फायदा उठाकर लोगों को जागरूक किया जाए। किन्नर बॉबी नायक बताते हैं कि उन्होंने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। अब अपने टीम के साथ घर घर जाकर स्वच्छता का संदेश देंगे। अभी तक वो बच्चों की जन्म पे शुभकामनाएं देने के लिए जाते थे, विवाह पर शुभकामनाएं देने के लिए जाते थे। अब जब वो घरों पर जाएंगे तो लोगों को स्वच्छता का संकल्प भी दिलवाएंगे। लोगों से इस बात का वादा भी लेंगे कि अपने गली मोहल्ले को साफ रखेंगे और शहर को नंबर 1 बनाने में अपना भूमिका निभाएंगे। बॉबी नायक इससे पहले भी हेडलाइंस में आई थी, जब उन्होंने कोरोना के दौरान लोगों की मदद की थी। कोरोना के दौरान जब लोग तरह तरह से परेशान हो रहे थे, तब उन्होंने भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं और हर तरह की संभव मदद लोगों तक पहुंचाई थी। किन्नर बॉबी नायक समाज के लिए लगातार काम कर रही हैं। इसके साथ ही वो सरकार से गुहार भी लगा रही हैं कि सरकार उनके समाज तक सुविधाएं पहुंचाए, सरकार उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाए, सरकार उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाए। ग्वालियर पिछली बार 2021 में 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की स्वच्छता रैंकिंग में 15वें नंबर पर था। मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 5वीं बार देश का सबसे साफ शहर के तौर पर सम्मानित किया गया था और मध्य प्रदेश के हिस्से में 35 अवार्ड आए थे। इसमें नागरिकों का बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश सरकार नागरिकों के और योगदान को बढ़ाने के लिए तैयारी कर रही है। इस तरह के इनिशिएटिव पहले भी लिए जा चुके हैं।
भोपाल और उज्जैन में भी किन्नरों को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब आइए चलते हैं उस खबर की तरफ जो खबर आज की खास है। ये कर लिया गया भाई साहब, तो मध्य प्रदेश वो कर बैठेगा जो अमेरिका और यूरोप भी अब तक नहीं कर पाए हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार तैयारी कर रही है कि अब हैप्पीनेस को, खुशी को एक सब्जेक्ट के तौर पर क्लासेस में शामिल किया जाए। यानी कि जब आपके बच्चे स्कूल जाएंगे तो उन्हें यह भी पढ़ाया जाएगा कि खुश कैसे रहा जाए। कोरोना के इस समय में जब बच्चे घरों में बंद रहे हैं, जब मेंटल हेल्थ एक बड़ी समस्या के तौर पर उभर रहा है, आयुक्त की टीम आपको लगातार बता रही है कि किस तरह प्रदेश में आत्महत्या के मामले बढ़ रहे हैं, बच्चों के अंदर अवसाद बढ़ रहा है, हिंसक प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार का यह फैसला गेम चेंजर साबित हो सकता है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने 2016 में आनंद मंत्रालय की शुरुआत की थी। इस मंत्रालय का काम ही यही था कि कैसे नागरिकों के बीच खुश रहने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया जाए। अब इसी दिशा में सरकार का ये अगला कदम है। मध्य प्रदेश सरकार के सेक्रेटरी बताते हैं कि 9वीं से 12वीं तक के लिए क्लास की किताबों के ड्राफ्ट तैयार कर लिए गए हैं। इसके साथ ही टीचर्स की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। इस किताब को बनाने के लिए बच्चों से भी सलाह ली गई है, बच्चों से भी बात की गई है। पिछली बार जब शिवराज सिंह चौहान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तो उन्होंने इस विषय में एक प्रेजेंटेशन भी प्रधानमंत्री के सामने रखा था, जिसकी प्रधानमंत्री ने स्वयं सराहना की है। मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के लिए सरकार की तारीफ तो बनती है, क्योंकि किसी भी सरकार के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वो नागरिकों के मानसिक स्वास्थ्य को भी गंभीरता से ले, क्योंकि अगर मानस ठीक नहीं होगा तो बाकी सब किस काम का। आप भी अपना मानस ठीक रखिए, इन खबरों को देखिए, मुस्कुराइए। समाज में अभी भी बहुत कुछ अच्छा बचा है जिसके ऊपर गर्व किया जा सकता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इस तरह की खबरें आप लगातार देखना चाहते हैं तो आयुध को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कीजिए। इसका क्या है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हम लगातार और ऐसे वीडियोज आपके सामने लेकर आने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।